तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक इंसान के काम करने के लिए उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि अगर उसका माइंड जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ही स्मार्टली वो वर्क कर सकेगा, ऐसे ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, एक चिप पर डिपेंड करता है कि प्रोसेसर जितना अच्छा स्मार्टफोन में पुट किया जाएगा उतना ही अच्छे से एक स्मार्टफोन वर्क कर सकेगा। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। मीडियाटेक ने अपने दो नए चिप्स लॉन्च किए हैं जो कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिनका नेम है मीडियाटेक हीलियो G96 एंड मीडियाटेक हीलियो G88। मीडियाटेक हीलियो G96 जो है वो G95 का सक्सेसर है और मीडियाटेक हीलियो G88 जो है वो G85 का सक्सेसर है। आज की वीडियो में हम मीडियाटेक हीलियो G96 के बारे में बात करेंगे। हम इस चीज पर देखेंगे कि मीडियाटेक हीलियो G95 और 6 में क्या डिफरेंस रखा गया है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि मीडियाटेक हीलियो G95 में नहीं थी और G96 में रखी गई हैं। तो मीडियाटेक हीलियो G96 की परफॉर्मेंस और सपोर्टेबिलिटी के बारे में कंप्लीट आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं मीडियाटेक हीलियो G96 के बारे में तो जुड़े रहिएगा आज की वीडियो से। अगर वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो नॉलेज लेते जाए यार। मेरा नाम है राव मुबशर इकबाल और आप देख रहे हैं RMI टेक स्पोर्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सपोर्टेबिलिटी के बारे में कि डिस्प्ले वगैरह में, स्टोरेज में, कैमराज में क्या ऐसी इंप्रूवमेंट की गई है जो कि मीडियाटेक हीलियो G95 में नहीं थी लेकिन G96 में रखी गई है। सबसे पहले इसके डिस्प्ले सेक्टर की तरफ आते हैं। डिस्प्ले में हीलियो G96 जो है वो फुल HD को सपोर्ट करती है। आपको LCD और AMOLED दोनों का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 60Hz से इंप्रूव किया गया है 120Hz पे, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है। स्पेशली गेमिंग फील्ड में अगर हम देखें तो आपको रिस्पांस रेट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो जाता है डिस्प्ले के बारे में। अब हम इसके कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। कैमरा में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है। मीडियाटेक हीलियो G95 में आपको 64 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलता था। 64 मेगापिक्सल से इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं की गई थी, लेकिन मीडियाटेक हीलियो G96 में आपको 108 मेगापिक्सल तक जो सपोर्टेबिलिटी है उसको एक्सटेंड किया गया है। अब मीडियाटेक हीलियो G96 के प्रोसेसर वाले फ़ोन में आपको 108 मेगापिक्सल तक कैमरा भी देखने को मीलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है जो कि मीडियाटेक हीलियो G95 में हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम इसकी कैमरा सपोर्टेबिलिटी की बात करें, आपको बैक कैमरा में जो है ये 4K 30 FPS ही रहने वाला है। आप 4K पे मैक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकंड तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आपको G95 में भी देखने को मिलता था। और अगर फुल HD रेजोल्यूशन की बात करें, 1080p की बात करें, तो वो आपको 120 FPS तक देखने को मिलेगा। और अगर हम 720p रेजोल्यूशन की बात करें तो वो आपको 240 FPS तक देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आम सी बात है। बजट रेंज फोन्स में ये चीज़ आम है कि आपको 720 पे 240 FPS तक फ्रेम रेट मिल जाता है अगर आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में था। हाँ, 4K 30 FPS को इंक्रीज किया जा सकता था, लेकिन G95 और G96 दोनों में ही आपको मैक्सिमम फ्रेम पर सेकंड 4K में 30 FPS के ही मिलते हैं। तो अगर हम इसकी मेमोरी की साइड पर मूव करें तो आपको मैं बताता चलूँ, इसमें LPDDR4 ही हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये आपको G95 में भी LPDDR4 ही देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर भी LPDDR4 ही आपको देखने को मिलेगी। मैं नहीं जानता कि 5 क्यों नहीं पुट की गई, लेकिन मीडियाटेक को इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हम UFS टाइप की बात करें तो आपको इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। G95 में आपको 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती थी, UFS 2.1 की, और G96 में आपको UFS 2.2 देखने को मिलेगी। इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टोरेज की रीड एंड राइट की जो स्पीड है उस पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हाँ, 2.1 जो है उसमें आपको राइट स्पीड जो है वो 2.2 से कम देखने को मिलती थी। 2.2 में आपको रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि G96 में अगर UFS 2.2 दी गई है तो वो रीड एंड राइट में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो ये तो थी मेमोरी के बारे में बात। फ्रेंड्स, अब एक बड़े ही स्पेशल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मुझे भी पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। आपको मीडियाटेक हीलियो G95 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था, आपको मीडियाटेक हीलियो G96 में एक मीडियाटेक का हाइपर इंजन लाइट फीचर देखने को मिलेगा। स्पेशली ये गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी मीडियाटेक हीलियो G96 के फोन आएंगे उसमें आपको एक मीडियाटेक का हाइपर इंजन लाइट फीचर देखने को मिलेगा। ये क्या काम करेगा गेमिंग में? इसमें जो 4 से 5 पॉइंट्स बेसिकली ये बताए गए हैं कि जब आप हाई FPS पर गेमिंग करते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई या पबजी मोबाइल हो गई, ये हाई FPS पर जो है गेम खेली जाती है, अगर आप इन गेम्स को रन करेंगे मीडियाटेक हीलियो G96 पे हाइपर इंजन मोड के साथ, तो ये हाई FPS पर भी बैटरी को कंट्रोल करेगा और आपकी जो लैगिंग है उसको बिल्कुल लो करेगा। ये मतलब फोन ज़्यादा लैग नहीं होने वाला, ये एक ऐसा फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हाई FPS पर भी बैटरी को जो है मेंटेन करना एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। मतलब जैसे ही आप हाई FPS पर मूव करते हैं तो फोन जो है वो हीटअप होने लग जाता है, बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। तीसरी चीज़ ये कि फोन लैग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेन की जाएंगी हाइपर इंजन के मोड में। स्पेशली ये गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मीडिया टेक का हाइपर इंजन मोड। इसमें आपको हाइयर FPS की सपोर्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, आप अच्छे FPS पर जो है वो अपनी गेम्स को रन कर सकेंगे। तो यही सब कुछ था मीडिया टेक हीलियो G96 के बारे में, जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च हो जाने वाला है। अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक डेट को ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऐसी कोई डेट लॉन्च डेट अभी तक बताई नहीं गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर मीडिया टेक हीलियो G96 को लॉन्च कर दिया जाएगा और G96 की चिप के साथ बहुत जल्दी फोन पाकिस्तान में आने लग जाएंगे। मतलब कुछ महीनों तक, हो सकता है कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो G96 के फोन आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएं। तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको मीडिया टेक हीलियो G96 की चिप के बारे में बताया, जो कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी और इसके साथ फोन पाकिस्तान में आने लग जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।